सोलन में हुनर के सरताज कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने जमकर हंगामा किया। विद्यार्थियों ने रोते हुए निर्णायक मंडल पर आरोप लगाए हैं कि निर्णायक मंडल ने निष्पक्ष होकर निर्णय नहीं लिया और उन्होंने केवल अपने क्षेत्र से जुड़े प्रतिभागियों को विजयी बनाया, जो सरासर गलत है, जो उन्हें मान्य भी नहीं है। उन्होंने प्रतियोगिता को दोबारा करने की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि सोलन की आईटीआई में हुनर के सरताज खोज राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल पहुंचे थे। इस प्रतियोगिता का परिणाम आने के बाद यह हंगामा हुआ है। इस प्रतियोगिता में प्रथम आने पर 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार था और विजेता को जयपुर में होने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर भी दिया जाना था। मेरा पार्षद भी हुई है और मैंने बहुत अच्छा किया था। मेरे को नहीं पता, पहले रिजल्ट कुछ और था, फिर बाद में कुछ और रिजल्ट बनाया। पहले सबने बोला मैं फर्स्ट हूँ, फिर बहुत खुशी हुई और बाद में उन्होंने ऐसा कर दिया। जैसे स्टेज पे गई आगे तक सबने खुशी खुशी गई आगे और उन्होंने बाद में ऐसा किया कि पीछे कर दिया मुझे। पहले हेयर स्टाइल में ऐसी पार्शलिटी करी, इस बार स्किन में पार्शलिटी कर दी हमारे साथ। सर गलत है, दोबारा बनना चाहिए, जो भी हो दोबारा होना चाहिए। सर हमारा स्किल इंडिया की तरफ से कंपटीशन था जिसमें हमारे साथ पार्शलिटी हुई है। हमारा हेयर का था और ब्यूटी थेरेपी का था। अभी जितने भी जजेस थे गलत डिसीजन लिए हुए, हमारे को दोबारा रिजल्ट चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा कॉम्पिटिशन दोबारा हो। जो भी जजेस थे सर उन्होंने गलत डिसीजन किया और जब हमने ऑब्जेक्शन उठाया तो कोई भी नहीं सुन रहा था। वो हमारे को बोल रहे थे कि अगली बार की तैयारी करना, और सर पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ही किया था हमारे साथ और बिना कुछ सुने और दूसरे बच्चों को अपने बच्चों को आगे कर दिया और हमारे को पीछे कर दिया। सर हम चाहते हैं सर कि कोई भी आगे जाए बच्चा, बट बिना पार्शलिटी किए हुए जाए, जिसकी मेहनत और हुनर आगे हो। और ये कॉम्पिटिशन इसी के लिए, जिसके पास हुनर होगा वही आगे जाएगा।